बहुत 4 साल के लिए जो उनको फ्री ट्रेनिंग और उसके साथ साथ वेतन भी मिलेगा, और इससे ज़्यादा आप लोग क्या लोगे? जिस उम्र में 10वीं 12वीं के बाद बच्चे और माँ बाप परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या कराएं, कौन सी जॉब कराएं, उस टाइम आप 4 साल अपने सेना को दे सकते हो। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपये उसके हाथ में होंगे, और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूँगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पूरे देश में इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। युवा सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निपथ योजना को वापस कराने की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवा लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस ले लिया जाए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन सरकार को इस योजना के फायदे गिनाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। जैसे 3 कृषि कानूनों के दिन रात फायदे गिनाए जा रहे थे, ठीक वैसे ही अग्निपथ योजना के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। अग्निपथ योजना से गुस्साए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहां तक कि भाजपा के नेताओं को भी नहीं बख्श रहे। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के मंत्री अग्निपथ योजना की मार्केटिंग से बास नहीं आ रहे हैं। रोजना के मुताबिक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। आर्मी में सैनिक, नेवी में नाविक और एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती है, वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, बचे हुए 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। अब युवाओं की ये समस्या है कि वो 4 साल सेना में काम करने के बाद क्या करेंगे, उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी, कौन उन्हें नौकरी देगा। जब उन्हें 4 साल बाद दूसरी नौकरी ही करनी है तो सालों लगकर सेना की तैयारी क्यों करें। लेकिन अब युवाओं की समस्या का समाधान निकल आया दोस्तों। बीजेपी के नेताओं ने 4 साल बाद युवा कहां नौकरी करेंगे, उन्हें कौन नौकरी देगा, इसका समाधान निकाल लिया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उन्हें हम बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। लीजिए, निकल गया समाधान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 4 साल के बाद सेना से रिटायर होने के बाद युवा कहां नौकरी करेंगे, कौन उन्हें नौकरी देगा, इसका समाधान चुटकियों में निकाल दिया है। बीजेपी नेता के हिसाब से अगर उन्हें बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो सबसे पहले प्राथमिकता वो अग्निवीरों को देंगे, उन्हें रखेंगे। सबसे पहले आप बीजेपी नेता का ये बयान सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि 4 साल सेना में काम करने के बाद वो अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड रखने में प्राथमिकता देंगे। सुनिए। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे, और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड। तो सुना आपने कैसे बीजेपी नेता युवाओं की समस्या का समाधान मिनटों में निकाल लिया। नेताजी कहते हैं 4 साल काम करने के बाद 25 साल की उम्र में उसके हाथ में 11 लाख रुपए होंगे। कैलाश विजयवर्गीय के हिसाब से सेना में 4 साल काम करने के बाद अगर उन्हें बीजेपी ऑफिस के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होगा तो वो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो अग्निवीरों को देंगे, उन्हें रखेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर उन्हीं के पार्टी के नेता ने उन्हें आईना दिखाया। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, वरुण गांधी ट्वीट करते हुए कहते हैं, जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्द कोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजयमान हो, उस भारतीय सैनिकों को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं। वो ट्वीट कर कहते हैं,
देश के युवा और सेना के जवानों का इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करके टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौज में जाकर पूरा जीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर में बाहर गार्ड लगना चाहते हैं। एक और वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आईएएस रिटायर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। सूर्य प्रताप सिंह के मुताबिक इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कहते हैं, अग्निवीरों को धोबी, नाई, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी मदद होगी आगे के लिए। सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। सूर्य प्रताप अपने ट्वीट में लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री का शॉकिंग खुलासा, अग्निवीरों को धोबी, नाई, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, मतलब एक सैनिक जैसा प्रशिक्षण नहीं होगा, क्या मजाक है ये योजना। केंद्रीय मंत्री का ये वीडियो शायद तेलुगु भाषा में है, लेकिन साथ में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है। आप ये सबसे पहले वीडियो देखिए। వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము, వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. ఇంట్లో కూడా నేర్పుతాం, ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా నేర్పడం తప్పు కాదు కదా, వేరే ఉండొచ్చు, మాత్రం ఇంట్లో నేర్పకూడదు రూల్ ఏమనుందా? దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు అందులో కొంతమంది అందులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. कोई कह रहा है ड्राइवर बनाएंगे, कोई बिजली मिस्त्री, तो कोई नाई, तो वहीं कोई कह रहा है कि धोबी बना देंगे, और कोई कह रहा है कि दरबान चौकीदार बना देंगे। सबसे पहले मोदी जी को इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इन्हें क्या कहना है। चार साल की ना सही, कम से कम चार हफ्ते की तो ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, जिसमें इन लोगों को पता लग जाए कि इन्हें योजना के बारे में क्या कहना है। आपको याद होगा कि कैसे दिन रात किसान बिल के फायदे बताए जा रहे थे, टीवी पर डिबेट की जा रही थी, गोदी एंकर चिल्ला चिल्ला कर किसान बिल के फायदे बता रहा था, नकली किसानों से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बैठकें कर रहे थे। ठीक वैसा ही अब हो रहा है, अग्निपथ योजना के भी ऐसे ही फायदे गिनाए जा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री योजना की मार्केटिंग में लगे हुए हैं, गोदी एंकर चिल्ला चिल्ला कर अग्निपथ योजना की जो फायदे हैं वो गिना रहे हैं। इसके बाद हद तो तब हो गई जब बीजेपी वाले वीडियो शेयर करने लगे, जिसमें जो उनका दावा है कि जनता जो है वो अग्निपथ योजना का समर्थन कर रही है, उनको समर्थन दे रही है। बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें जनता अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो देखिए, जिसमें एक गुटखा बेचने वाला बुजुर्ग शख्स मोदी सरकार की इस योजना के कैसे फायदे गिना रहा है, सुनिए। ये जो अग्निपथ योजना जो मोदी जी लेके आए हैं, 2014 से पहले इसका कोई प्रोसीजर नहीं था। ये जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आए हैं, वो इससे जो है बेरोजगारी ख़त्म होगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। और क्या है कि इसमें मैं देखता हूँ, पेपर भी पढ़ता हूँ कि भाई 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, प्लस रिटायर होने के बाद में जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उसको 10 से 12 लाख रुपये और मिलेगा इकट्ठा एकजुट, और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको फिर बुलाया जाएगा। और इसके लिए मैं मोदी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। एक और वीडियो देखिए, जिसमें मोदी जी का गुणगान करते हुए ये शख्स कहता है कि मोदी जी की इस योजना से युवा जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर ट्विटर पर यह दावा कर रहे हैं कि ये वही शख्स है जिसने किसान बनकर किसान बिल के फायदे गिनाए थे। ये वीडियो देखिए। सभी को मेरा नमस्कार। 2014 से पहले कोई ऐसी योजना किसी भी सरकार ने नहीं दी जो हमारे ने माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासी के युवा पीढ़ी को दी। अग्निपथ योजना जो कि आज से पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी को योजना ऐसी ही प्राप्त नहीं करी जो आज हमारे मोदी जी ने इस देश को दी है। अग्निपथ योजना जिसके बारे में अब मैंने सारा कुछ पढ़ा और मैं बहुत ही प्रसन्नता से साथ आपको कह रहा हूँ कि ये जो योजना है इसका लाभ हर एक युवा पीढ़ी को बहुत 4 साल के लिए जो उनको फ्री ट्रेनिंग और उसके साथ साथ वेतन भी मिलेगा, और इससे ज़्यादा आप लोग क्या लोगे। जिस उम्र में 10वीं 12वीं के बाद बच्चे और माँ बाप परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या कराएं, कौन सी जॉब कराएं, उस टाइम आप 4 साल अपने सेना को दे सकते हो, सेना में अपनी सेवा योगदान
और जिसके लिए आपका समाज में, आपके आस पड़ोस में, आपका हर जिस भी फील्ड में उस वो युवा जाएगा 4 साल के बाद, उसको कितना मान सम्मान मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि जब तक कृषि बिलों की तरह अग्निपथ योजना वापस नहीं ले ली जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आने वाली 20 जून को दिल्ली में जाकर वो प्रदर्शन भी करेंगे। युवाओं ने कहा कि कोई अमीर घर का बच्चा सेना की तैयारी नहीं करता। अगर कोई अमीर घर का बच्चा सेना में जाता है तो वो अफसर के रैंक की पोस्ट पर जाता है। किसी भी अमीर घर का बच्चा GDP के पद की तैयारी नहीं करता है। आपकी इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई खबर, कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।